देखो सामने मिट्टी के बर्तन, योगेंद्र की चिड़िया जो कि बहुत ही सुंदर। हाँ, ये वाला फूल ज्यादा होता है इसे। आजकल जो ज्यादातर काम चल रहा है, इसके ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के लगभग 9:30 बजने वाले हैं और कई दिनों से मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं आया था। कारण यह था कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बना नहीं पाया। खैर छोड़िए, कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर पहाड़। इस मौसम में ज्यादातर हमारे यहाँ ये वाला फूल ज्यादा होता है, इसे हमारी पहाड़ी भाषा में कुंजी का फूल बोलते हैं। ये देख सकते हैं कि जैसे सर्दियों के दिन आते हैं तो ये वाला फूल काफी ज्यादा खिलता है हमारे पहाड़ों में। तो इसमें भी कलर अलग अलग होते हैं, ये येलो का है, वैसे इसमें व्हाइट और रेड भी होते हैं। पहाड़ों में आजकल धीरे धीरे ठंड होने लगी है। धूप तो लगी रहती है लेकिन धूप सेकने का मन होने लगा है। और आजकल जो पहाड़ों में ज्यादातर काम है वो ज्यादातर खेतों का काम हो रहा है, हल लगाने का काम और पुआल इत्यादि लगाने का काम और घास कटाई इत्यादि काम चल रहा है। और ज्यादातर जो काम चल रहा है वो गोबर डालने का काम चल रहा है। तो आजकल पहाड़ों में जो लाइफ स्टाइल है वो इसी प्रकार चल रही है। तो इस प्रकार से पहाड़ों के खेतों में गोबर डाला रहता है और जिस दिन हल लगाते हैं तो इसे पूरे खेत में फैला दिया जाता है और इस पूरी गोबर खाद को पूरे खेतों में मिलाकर उसके बाद हल लगाया जाता है। तो आजकल जो ज्यादातर काम चल रहा है खेतों में वो गोबर डालने का ही काम चल रहा है। तो यहाँ पर जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे, तो उनसे पूछते हैं कि ये आज स्कूल में क्या करेंगे और ये हाथों में क्या ले जा रहे हैं। तो पूछते हैं इनसे, चाचा देखो हमने मिट्टी के बर्तन प्रैक्टिकल के लिए बना रखे हैं। अच्छा, ये क्या है? सिबलिंग। अच्छा, ये सिबलिंग है। तुमने पट प्लेट। अच्छा, ये कप प्लेट है। अरे वाह, ये देख लो भाई कितना अच्छा बना रखा है सिबलिंग। और ये लक्की ने बना रखे है कप और प्लेट। वाह, आज इसमें नंबर मिलेंगे तुम्हें। तो यहाँ पर हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे और इनकी आजकल परीक्षाएं चल रही हैं। तो आज इनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें इनके टीचर ने इनको प्रैक्टिकल के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन, फल, पक्षी इत्यादि बनाने के लिए दे रखे हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया है। तो ये है लक्की, लक्की ने बनाया है कप प्लेट। और ये है योगेंद्र, योगेंद्र ने बनाया है एक सुंदर सी चिड़िया, देख सकते हैं। और बिट्टू ने बनाया है आम, तो बिट्टू का आम काफी पका हुआ है, बिल्कुल पीला हो गया है। और लक्की है, छोटा वाला लक्की है, इसने बना रखा है कप और प्लेट। और रिचा ने बनाया है सिबलिंग और पूजा की पूरी सामग्री, तो देख सकते हैं कितना सुंदर बना रखा है। या ने भी कप और प्लेट बनाया है और काना के लिए बैट और बॉल बनाया है। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने बना रखी है। ये देख सकते हैं, प्रत्येक को आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के इन्होंने बना रखे हैं। ये देखो योगेंद्र की चिड़िया जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये बिट्टू का आम है, इस पे पत्तियां भी लगा रखी है बिट्टू ने। और ये लक्की के कप और प्लेट। और ये है रिचा के पूजा की पूरी सामग्री जिसमें शिवलिंग, पूजा की थाली, लड्डू और दीपक है। और ये है रिया की कप प्लेट बैट और बॉल। तो नीचे वाले खेतों में आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी हल लगा लिया है लोगों ने और इनमें गेहूं,
बोलिया है। सामने पे है माल्टे का पेड़, इस पे भी माल्टे पकने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि माल्टे पीले पीले होने लग गए हैं। कहीं कहीं पे देख सकते हैं कि वैसे तो बेल वाली सब्जियों का मौसम चला गया है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी बेल वाली सब्जियां हैं। तो यहाँ पे छत में देख सकते हैं, इसमें लौकियां लगी हुई हैं और एक दो छोटी छोटी लौकियां और भी हैं इस पे लगी हुई। तो जो काफ़ी लंबी पुरानी बेल हैं उन पे अभी भी हल्की हल्की लौकियां लगने शुरू हैं अभी तक। यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी ने बीज सुखाने के लिए रखा है। ये है सुगोती का बीज, ये राई की तरह ही होता है और जो ये ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में बारहमासी सब्जी होती है, तो ये इसके बीज हैं। ये देखो कुछ राजमा वाली दाल के फलियां हैं और कुछ उनके बीज निकाले हुए। केदारनाथ के कपाट तो बंद हो गए हैं, लेकिन वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो जारी है, इसलिए आर्मी का चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार चलता रहता है। यहाँ पे लगे हुए हैं केले, ये देख सकते हैं कि ये केले पकने के लिए तैयार हो रखे हैं। तो ये हैं पहाड़ी केले, ये काफी बड़े होते हैं और काफी टेस्टी भी होते हैं। हमारे पहाड़ों में इस तरह का केला होता है ज्यादातर। केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का शोर हमारे यहाँ जारी रहता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का शोर इसलिए भी है क्योंकि केदारनाथ में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जारी है। तो आर्मी का चिनूक हेलीकॉप्टर ज्यादातर चक्कर लगाता रहता है, तो इनका शोर भी सुनाई देता है बार बार। ये देख सकते हैं, इसको हम जहाज बोलते हैं, ये ज्यादातर पानी की जगह पे होते हैं। जब छोटे थे तो इनको काफी पकड़ते थे हम। बैकग्राउंड का जो ये शोर है, ये कीटों का जो शोर है, ये अभी भी जारी है, ये काफी टाइम तक चलता रहता है, क्योंकि आप मेरे बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कि काफी अजीब सा एक इरिटेटेड आवाज आती है जिससे ये काफी कानों में लगती है। तो ये आजकल पहाड़ों में काफी ज्यादा होते हैं, तो जब भी ब्लॉगिंग करो तो बैकग्राउंड इनका शोर काफी ज्यादा सुनाई देता है। तो ये देख सकते हैं कि हमारे गमले में आजकल काफी अच्छे प्यारे फूल खिले हुए हैं। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का समापन। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।